अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है निबोश आईजी यूनिट आईजी 1 और उसका एलिमेंट है 3.7। टॉपिक का नाम है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSOW के नाम से आप जानते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है क्या। बेसिकली ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? फॉर्मल रिकॉर्डेड प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर, मतलब सिस्टम के अंदर सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क, जिसमें हम सिस्टम के अंदर रहते हुए काम का एग्जामिनेशन करते हैं, काम का जायजा लेते हैं और उसके बाद उस जायजे के दौरान जो हैजर्ड्स आइडेंटिफाई होते हैं तो उसके नतीजे में कि जो हैजर्ड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं उनको कैसे कंट्रोल करके हम अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अगर इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बेहतर तरीके से याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए, पहली बात, ये फॉर्मली रिकॉर्डेड प्रोसीजर है या प्रोसेस है। किस चीज का? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क, और उस सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क में हैजर्ड्स आइडेंटिफाइड होंगे और उनके हम सेफ मेथड्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे कि उन हैजर्ड्स के ऊपर आप कैसे काबू पा सकते हैं। अब टू बी इफेक्टिव द सेफ सिस्टम मस्ट ब्रिंग टुगेदर। हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना तो लें, और इसके लिए कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनने के बाद मौसर भी हो, करामत भी हो, तो हमें इन चार चीजों को, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में पीमी के नाम से याद रखते हैं, रख सकते हैं, पीपल, इक्विपमेंट, एम फॉर मटेरियल, ई फॉर एनवायरमेंट, तो इन चार चीजों को आप एड्रेस करेंगे जब तक के ये चारों चीजें इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के इस प्रोसेस के अंदर एड्रेस नहीं हो जाती, इनके ऊपर काम नहीं किया जाता या इन चारों चीजों को शुमार नहीं किया जाता, तब तक कोई भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या आपका SSOW इफेक्टिव नहीं हो सकता। पहले नंबर पे पीपल, हु इज द SSW फॉर? हम ये जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं? नंबर टू, व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और टेक्निकल एबिलिटी शुड दे हैव? और जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हमने डिवेलप किया, इसको जो लोग परफॉर्म करेंगे, आया उनकी एबिलिटी क्या है या वो टेक्निकली कितने साउंड है। नेक्स्ट वी हैव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में है व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज्ड, और इस पर्पस के लिए जो इक्विपमेंट यूज होगा वो कैसा है, उसकी नोयत क्या होगी, आया व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड, और उसका इस्तेमाल क्या होगा, आया जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल वर्कर्स को आता भी है या कि नहीं, या इक्विपमेंट इतना न्यू या अपडेटेड है जिसके लिए वर्कर को एक डिटेल किस्म की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, इस चीज में जो तीसरी चीज हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में एड्रेस करेंगे वो है मटेरियल्स। व्हाट मटेरियल विल बी यूज्ड आर हैंडल्ड ड्यूरिंग द वर्क, कि किस तरह का मटेरियल अब यूज होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या ज्यादा टॉक्सिक मटीरियल तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं आ रहा जो ज्यादा हैजर्डस है और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और लास्ट वन, एनवायरनमेंट, वेयर विल द वर्क टेक प्लेस, एग्जांपल स्पेस, लाइट एंड टेम्परेचर, कि जिस जगह पे हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की मदद से ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाने जा रहे हैं तो उस जगह का ओवरऑल एनवायरनमेंट वर्क प्लेस का कैसे होगा, वर्क एनवायरनमेंट हॉट है, कोल्ड है, किस नोयत का है, वहां पे लाइटिंग अरेंजमेंट्स क्या है, अगर नाइट शिफ्ट में काम करना है तो फिर इस उस एनवायरनमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स क्या है। इन चार चीजों को एड्रेस करने के बाद अब हमारे पास कुछ और चीजें मौजूद हैं। लिंक टू रिस्क असेसमेंट, जितनी भी काम आप करेंगे आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इंडिविजुअली हैंडल नहीं करेंगे, बल्कि जो आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करके आए हैं उन रिस्क असेसमेंट के साथ जब तक आपका लिंक नहीं होगा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क टेक्निकली साउंड हो ही नहीं सकता। डॉक्यूमेंटेड सो द स्टैंडर्ड इज क्लियर,
अंडरस्टूड, आपको पहले बताया हेल्थ एंड सेफ्टी में और इसके अलावा भी हर फील्ड में कभी तक किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं माना जाता जब तक के रिटन फॉर्म में उसको आप महफूज ना कर लें। डेवलप बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, जो इसको डेवलप करेंगे दे शुड बी कॉम्पिटेंट पर्सन, ताकि उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो इसको इफेक्टिव बनाए। क्योंकि नॉन प्रोफेशनल नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन अगर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करता है तो उस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अपने ही इतने आप कह सकते हैं फ्लॉज होंगे कि वो उसको कामयाब होने नहीं देंगे। लीगली रिक्वायर्ड इन मैनी सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर नेचर ऑफ वर्क जो है वो इतना क्रिटिकल होती है कि वहां पर विदाउट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क SSOW के बगैर आपको काम करने की इजाजत नहीं होती। अब Employer's responsibility to prepare them, worker's responsibility to follow them. बात वही है, employer उसको बनाने के लिए पाबंद है legally और worker उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए करने के लिए पाबंद है। Next चलें, तो developing a safe system of work में technique हम use करेंगे SSOW की, जो पहले भी हमने discuss की। पहली बात, select task, जो activity है उसको आप पहले select करेंगे, then रिकॉर्ड स्टेप और स्टेजेस ऑफ द टास्क, कि किस जगह पे किस वक्त पे क्या काम किस स्टेज पे क्या चीज कैसे और क्यों परफॉर्म होगी। तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो है एवेल्युएट, एवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, मतलब एवेल्युएशन ऑफ रिस्क क्या होगी कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कंट्रोल्स में ये सजेस्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि उन कंट्रोल्स मेयर की जो हमने वहां पर इंप्लीमेंट किए हैं उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है। हम जनरल मॉनिटरिंग करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो हैजर्ड्स या रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनके बाद जो कंट्रोल्स मेयर अप्लाई किए हैं वो आया इफेक्टिव भी हैं या के नहीं। Then D for develop safe working method, I implement safe system method, और M monitor to ensure it is effective. Monitor to ensure it is effective के सिर्फ करके छोड़ ना दिया जाए बल्कि ये देखें कि जो चीज हमने implement की है वो perform कैसे कर रही है। एक work example है जी, एक work example में safe system of work कैसे follow होता है। For example, changing a wheel में एक understood जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि टायर पंक्चर हो गया, टायर हमने बूट से डिगी से उतारा, ठीक है, बूट बोलते हैं डिगी को, वहां से उतारा और जैक लगाया चेंज कर दिया। जबकि अगर इसी के लिए हम तहरीरी शक्ल में एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करें या उसकी स्टेजेस या उसके स्टेप्स डिवाइड करें तो वो 9 होंगे। कैसे? स्टेप 1, पार्क द कार इन अ सेफ लोकेशन, जहां पंक्चर हुआ वहीं खड़ी ना करें बल्कि उसको पुश वगैरह करके साइड पे कर लीजिए। रिमूव इक्विपमेंट फ्रॉम बूट, डिगी में से इक्विपमेंट आपका जो टायर है स्पेयर टायर है वो आप उतारेंगे और जो आपके टूल्स हैं जैक वगैरह वो आप वहां से जितनी भी किट है वो वहां से उतारेंगे। स्टेप 3, लूजन व्हील नट्स, व्हील नट्स आप लूज कर देंगे। स्टेप 4, जैक अप कार, कार को जैक के ऊपर लेके आएंगे और ऑफ ग्राउंड कर देंगे ताकि टायर को इजीली, जो पहले से टायर लगा हुआ है जो पंक्चर हो चुका है उसको इजीली रिमूव कर सके। रिमूव व्हील नट्स, रिप्लेस व्हील एंड व्हील नट्स, लोअर कार, रिमूव जैक, कार को नीचे करेंगे जैक को हम रिमूव करेंगे। टाइटन व्हील नट्स टाइट करेंगे ताकि ये ना हो कि जो टायर अभी लगाया ये रस्ते में जाते हुए लूज अप होके खुल जाए और वो भी एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। रिप्लेस इक्विपमेंट इन बूट, जो सामान है इक्विपमेंट है वो भी रखेंगे और जो आपका अब टायर जो इस टाइम पे पंक्चर है उसको भी वापस आप बूट में डिगी में रख देंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग कंट्रोल्स, जब आप आइडेंटिफाई कंट्रोल करते हैं तो उस आइडेंटिफाइंग कंट्रोल में याद रखिएगा कि पहले आपने आइडेंटिफाई हैजर्ड करना है, देन आप आइडेंटिफाई कंट्रोल कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर जो हैजर्ड था वो रिस्क था, जो हैजर्ड था सॉरी वो रिस्क ऑफ वायलेंस था के और ट्रैफिक थी,
ट्रैफिक इस तरह थी कि अगर आप उसी जगह पे शुरू हो जाते तो ट्रैफिक की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी रवानी में प्रॉब्लम आता तो रिस्क ऑफ वायलेंस कैसे क्रिएट होता। अगर आप 20 सड़क में ये एक्टिविटी परफॉर्म करते तो हर आने जाने वाला आपको बुरा भला कहता और आपको वहां पर तंग करता। कंट्रोल्स क्या हैं? कंट्रोल्स ये इसी तरह हैं कि आप इसको ऑफ रोड करें व्हीकल को। ऑफ रोड मतलब ये है कि बिल्कुल लास्ट लाइन में ले जाएं जहां पे नॉर्मली आपकी ट्रैफिक नहीं होती, बिल्कुल लास्ट लाइन। और अगर पॉसिबल है कुछ और स्पेस बाकी है रोड के अंदर जैसे बड़ी बड़ी हाईवेज के ऊपर मौजूद होती है तो आप उसको ऑफ रोड कर दें। व्हीकल को ऑफ रोड करने के बाद आपने एरिया को प्रॉपरली सेव करना है। नाइट टाइम है, ग्रुप वल्नरेबल ग्रुप्स अगर मौजूद हैं, ऐसा है कि अगर आप अकेले हैं तो ऐसी सूरत में फिर आप बाहर निकल के खुद एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, बल्कि हाईवेज के ऊपर या बड़ी बड़ी रोड्स के ऊपर या कहीं पे भी अगर आप हैं तो आप रिकवरी को कॉल करेंगे और रिकवरी आके ये एक्टिविटी आपके साथ परफॉर्म करेगी। आगे जी ग्रुप डिस एक्सरसाइज में अगर हम आए तो सजेस्ट हैजर्ड्स एंड कंट्रोल फॉर ईच स्टेप ऑफ द वर्क एग्जांपल चेंजिंग द व्हील। इसी की जिस तरह मैं पहले पिछले लेक्चर में आपको बताता आया हूं कि जो ग्रुप एक्सरसाइज, जो क्विज आएगी, जो आपकी एक्सरसाइज आएगी वो आपने परफॉर्म करनी है। परफॉर्म करने के बाद शेयर मुझे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास आता है इंट्रोड्यूसिंग कंट्रोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर्स कि हम इन कंट्रोल्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उनको दाखिल कर सकते हैं और प्रोसीजर्स डेवलप करेंगे। जी कहते जी ऑफन मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, डिफिकल्ट स्टेज इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें शुरू में इंप्लीमेंट करते हुए हमेशा उसमें एक्सेप्टेंस से ज्यादा रिजेक्शन रेट होता है, जिसकी वजह से कोई भी जब आप ऐसा सिस्टम लाएंगे तो उसके लिए आपको जितने जो चार चीजें आपने एड्रेस की कौन कौन सी पीमी, पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, एनवायरमेंट, यही चार चीजें हर स्टेज के ऊपर आपको जो है वो डिस्टर्ब करेंगी या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। कंसल्टेशन एंड एंगेजमेंट हेल्प्स गेन बाय इन फ्रॉम वर्कर्स, अलाउ कंसर्न्स टू बी रेज्ड एंड एड्रेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ऐसी सूरत में जब ये चारों चीजें पीमी, पीपल, इक्विपमेंट आपका हो गया, मटेरियल और एनवायरमेंट, ये चारों चीजें जब आपको फीडबैक दें, रिएक्शन दें, तो आपने उसको पहली बात डिनाई नहीं करना, उसका इनकार नहीं करना, बल्कि उसे एड्रेस करना है। ठीक है, आप जब उसको एड्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम बेहतर डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ेगा। नेक्स्ट जी इसके अंदर अब जब वो डेवलप चलेगा तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा किससे आना है, जिसने परफॉर्म करना है, कौन, पीपल। तो जिन्होंने परफॉर्म करना है उनको प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेहतर तरीका ये है कि अगर वो लैग कर रहे हैं ट्रेनिंग को, वो लैग कर रहे हैं स्किल को, तो उनको इंफॉर्मेशन प्रॉपर दें, उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दें, उन्हें ट्रेनिंग दें और उनकी बाकायदा तौर पर सुपरविजन दें ताकि हमारा SSW कामयाब हो सके। उसके बाद जब ये सब चीजें आप अप्लाई कर दें, क्या क्या ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन सब कुछ दे दिया, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो ऐसी सूरत में फिर आप इंश्योर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि दो बातें, SSW इज बीइंग अप्लाइड करेक्टली, कि पहली तो बात यह है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अप्लाई करेक्टली हुआ या कि नहीं। दूसरी बात, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज एज सेफ एज वॉज इंटेंडेड। पहली बात इंप्लीमेंट ठीक हो गया, दूसरी बात अगर इंप्लीमेंट हो गया तो जिस अफादियत के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज के लिए हमने ये किया था, आया वो पर्पज हमने अचीव किया है या कि नहीं। यहां पे हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परमिट टू वर्क सिस्टम। बहुत जल्द अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।